नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये ट्रेसिंग का हमारा आगे का टॉपिक है। हम लोग ट्रेसिंग के आगे का पार्ट के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन हम दोस्तों आपको ये ट्रेसिंग के बारे में कि मोबाइल फ़ोन में आने वाले फॉल्ट्स के बारे में एक एक करके हम आपको वीडियो दे रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो का जो भी सीख रहे हैं उसका एक अपने व्हाट्सएप पे DP पे अपना स्टेटस भी लगा रहे हैं। और जब कोई भी हमारा स्टूडेंट जब हमारा स्टेटस लगाता है तो हमको भी बड़ी खुशी मिलती है। कहते हैं ये आदमी ज़िंदगी में स्टेटस उसी का लगाता है जिसके स्टेटस से मैच होना चाहता है। अगर हम किसी के स्टेटस से मैच होना चाहते हैं या किसी के स्टेटस के बराबर पहुंचना चाहते हैं या किसी से कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हम ज़रूर उसको अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के साथ साथ उसकी यादगार के तौर पर हम अपने व्हाट्सएप पर लगाते हैं या अपने फेसबुक पर शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं तो आप भी वीडियो को शेयर करिए और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझिए। और वीडियो में जो हम आपको सिखा रहे हैं ये अपना एक मैसेज ज़रूर करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं हेल्प मिल रही है। दोस्तों आज मैं वीडियो के माध्यम से और भी इन लोगों के लिए मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों ने हेल्प के लिए बोला भी है, और वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैसेज भी ज़रूर करेंगे कि सर हमको इतना सब मेहनत से सिखा रहे हैं और हम भी उस चीज़ को सीख रहे हैं तो सीखने के बाद हमको रिवर्स देना चाहिए। जैसे अगर हम आपको बताएं, अगर जैसे बचपन में कैसे होता था कि हम अपने बच्चों को जब कहानी सुनाते थे तो कहानी सुनाने में अगर हमारा बच्चा अगर हमारे साथ में लेटा होता है और हम कोई उसकी कहानी सुना रहे हैं, अगर वो बार बार हाँ 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 अगर ऐसा कुछ बोलता रहता है तो हमको ये महसूस होता है कि जो हम चीज़ समझा रहे हैं या जो चीज़ उसको सुना रहे हैं उसको सुन भी रहा है। अगर वो सो जाता है तो कोई मैसेज नहीं देता, वो चुपचाप हो जाता है। तो जो कहानी सुनाने वाला होता है वो भी सो जाता है, वो भी चुपचाप हो जाता है। तो हमारा कहने का समझाने का मतलब ये है कि अगर हम आपको कोई चीज़ सिखाते हैं तो आप भी एक पॉजिटिव मैसेज दिया करिए। अगर आप पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं प्रेजेंट भी होती है। दूसरी बात क्या है, अगर हम आपको तहे दिल से इतना मेहनत करके सिखा रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कोई मैसेज करें या ना करें, लेकिन हमारा फर्ज है आपको लगातार सिखाते रहना। क्योंकि स्टूडेंट टीचर के साथ में कैसा भी कर सकता है, लेकिन टीचर का एक ही फ़र्ज होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट को संभालना, उसको सिखाना, उसको सिखा करके खड़ा करना ताकि उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। हो सकता है कि आज उसकी ना समझी हो सकती है लेकिन कल के लिए वो सीख जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आज का टॉपिक जो हमारा जो होने वाला है ये चार्जिंग सेक्शन के ऊपर है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग सेक्शन जो आता है उसको कैसे चेक किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों मैंने जो आपको बताया हुआ था कि चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, उस चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक कैसे किया जाता है, उसके ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है, कौन सा ट्रैक का कनेक्शन कहाँ पर होता है, किसकी कनेक्टिविटी कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले बताया था। आज हम जो दोस्तों जो सीखने वाले हैं ये चाइनीज मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग सर्किट कैसे कनेक्ट होता है इसके बारे में मैं आज आपको दोस्तों पूरा आपको वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, हम लोग अपने बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड में पहले समझते हैं इस सब चीज़ों के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है चार्जिंग सॉल्यूशन। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो चाइनीज सेट का सीखने वाले हैं। चाइनीज सेट का मतलब क्या होता है, जितने भी चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं जैसे लावा है, माइक्रोमैक्स है, आईटेल है, इंटेक्स है, ऐसे हम लोग एक एक करके जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन के चार्जिंग सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। और इस चार्जिंग सॉल्यूशन को हम लोग आगे बोर्नियो सिमेटिक से भी सीखेंगे कि बोर्नियो सिमेटिक से फॉल्ट को कैसे ट्रेस किया जाता है, फॉल्ट को कैसे डायग्नोस किया जाता है, और सिमेटिक के माध्यम से कैसे चार्जिंग के लाइन को चेक किया जाता है, ये भी हम आपको इसमें आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग चार्जिंग के बारे में सीख रहे हैं ताकि हम सब चीज़ हमको अच्छे से डिटेल में समझ में आए। चाइनीज सेट चार्जिंग सॉल्यूशन, सबसे पहली बात क्या, जितने भी चाइनीज कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं अगर उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो चाइनीज सेट में आठ पिन
या सिक्स पिन की चार्जिंग आईसी यूज होती है। जितने भी चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं सभी चाइनीज हैंडसेट में, चाइनीज सेट में 8 पिन या 6 पिन की चार्जिंग आईसी पाई जाती है। जो भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, जो चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, सभी चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन में चाइनीज सेट में 8 पिन या 6 पिन की चार्जिंग आईसी पाई जाती है। कितने पिन की आईसी पाई जाती है दोस्तों? 8 पिन या 6 पिन। जितने भी चाइनीज कैटेगरी के जो भी फोन आते हैं सभी चाइनीज मोबाइल फोन में 8 पिन या 6 पिन की चार्जिंग आईसी पाई जाती है। अगर चार्जिंग आईसी खराब हो जाएगी तो हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं होगा। तो हमने क्या बताया कि चाइनीज सेट में 8 पिन या 6 पिन की चार्जिंग आईसी यूज होती है। आठ पिन आईसी में पिन नंबर 3 इनपुट होती है, मतलब जो 8 पिन की आईसी होती है उस 8 पिन की आईसी में पिन नंबर 3 इनपुट होती है। 6 पिन आईसी में पिन नंबर 4 इनपुट होती है, मतलब यदि 8 पिन की आईसी होगी तो उसमें सप्लाई पिन नंबर 3 पर जाएगी, और 6 पिन की आईसी होगी तो सप्लाई किस पे जाएगी? पिन नंबर 4 पे जाएगी। तो मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में 2 तरीके की आईसी पाई जाती है, या तो 8 पिन की आईसी होती है तो सप्लाई पिन नंबर 3 पे जाती है, यदि 6 पिन की होती है तो सप्लाई पिन नंबर 4 पे जाती है। तो 2 तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। दोनों तरह के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको सर्किट को आपको समझाता हूँ और डिटेल में बताता हूँ कि कैसे कनेक्टिविटी होती है और आप लोग इसको चेक कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात क्या, हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उसमें मान लिया 5 पिन का चार्जिंग जैक लगा हुआ है। ये 5 पिन के जैक में से क्या होता है, एक पिन जो होती है वो हमारी तो माइनस हो जाती है, एक पिन जो होती है हमारी पिन प्लस हो जाती है। प्लस के लाइन में कंपनी यहाँ पर कैपेसिटर लगाती है, यहाँ पर डायोड लगाती है, उसके बाद सप्लाई आगे जाती है, फिर आपकी लगी होती है हैंडसेट के अंदर चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी सप्लाई पिन नंबर 3 पर जाती है, एक पास में कैपेसिटर लगा होता है। पिन नंबर 3 कैसे पता चलता है? आईसी के ऊपर एक डॉट लगा होता है, डॉट ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे इस तरीके से एंटी क्लॉक हम लोग काउंट करते हैं। एंटी क्लॉक काउंट होने के बाद ये प्लस सप्लाई हमारी यहाँ से पिन नंबर 7 और 8 से आउटपुट निकलती है। इसके आउटपुट में एक LVR लगा होता है, या कई बार कंपनी इसके ट्रैक में एक डायोड भी लगा देती है। फिर सप्लाई चली जाती है तुम्हारी बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर। और ये वाला पॉइंट माइनस हो जाता है। ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है, ये तुम्हारा डायोड लगा हुआ है, ये तुम्हारा LVR है, ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ये भी डायोड है, ये भी कैपेसिटर। इस तरीके से कंपनियों का फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद यदि आईसी 8 पिन का दिया हुआ है तो इस तरीके से ट्रैक होता है। यदि मान लिया कंपनी ने आईसी को क्या कर दिया, 8 पिन की जगह पर मान लिया 6 पिन का लगा दिया, तो 6 पिन में से 6 पिनें पाई जाती हैं। 6 पिन में डॉट लगा होता है, डॉट से पता चलता है कि पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब एंटी क्लॉक ही काउंट होंगी। मतलब पिनों को काउंटिंग कैसी होगी? एंटी क्लॉक, घड़ी को उल्टा। ये हमारी जो लगी होती है इनको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग आईसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? चार्जिंग आईसी बोलते हैं। फिर मान लिया आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आ गया, उसमें जो चार्जिंग जैक लगा हुआ है वो तुम्हारा 10 पिन का लगा हुआ है। 10 पिन के चार्जिंग जैक में से 10 नंबर की पिन क्या होती है? माइनस होती है, और उसकी पिन नंबर 1 क्या होती है? प्लस होती है। पिन नंबर 1 की जो सप्लाई होती है पिन नंबर 4 पर जाती है। वही सिंपल सी बात, इसके लाइन में कैपेसिटर लगा होता है, डायोड लगा होता है, या आईसी के पास में भी एक कैपेसिटर लगा होता है। उसके बाद सप्लाई फिल्टर होती है। सप्लाई फिल्टर होने के बाद ये सप्लाई आगे निकलती है, और सप्लाई आगे निकलने के बाद ये आगे तुम्हारी पिन नंबर 6 से आउटपुट निकलती है। फिर कंपनी बीच में तुम्हारा LVR लगाती है, या कंपनी बीच में कैपेसिटर भी लगाती है, या डायोड भी लगाती है, और उसके बाद ये सप्लाई तुम्हारी चली जाती है बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पर।
ये बैटरी कनेक्टर में दो पॉइंट होते हैं, ये सप्लाई तुम्हारी जो सप्लाई जाती है ये प्लस वाले पॉइंट पे जाती है, और इधर का जो माइनस का जो पॉइंट होता है वो माइनस का पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। ये आपका LVR लगा हुआ है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है। तो ये मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का सर्किट होता है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये चार्जिंग का ट्रैक है, चार्जिंग का ट्रैक चार्जिंग IC पे जाएगा, चार्जिंग IC से निकलेगा, 7 और 8 से आउटपुट होगा, फिर 7 और 8 से आउटपुट होने के बाद ये सप्लाई तुम्हारी आगे बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चली जाती है, तुम्हारी बैटरी स्टोर हो जाती है। उसके बाद फिर ये आपका जो 10 पिन का जैक लगा है, 10 पिन के जैक में से पिन नंबर 2 वाला जो पिन होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, पिन नंबर दूसरा वाला जो होता है ये प्लस होता है, ये 10 नंबर का पिन माइनस होता है। तो ये सप्लाई आपके आगे जाती है। सबसे पहली बात, आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जिस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या आती है तो ये चार्जिंग का सर्किट होता है। अगर आप चाइनीज मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करना चाहते हैं, इसको मैं बोर्ड मदरबोर्ड में भी आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। यदि आपके पास कोई भी चाइनीज मोबाइल फ़ोन आता है, उस चाइनीज मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग की समस्या आती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चार्जर लगाएंगे। क्या करेंगे, चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चार्जर लगाने के बाद चेक ये करेंगे कि यहाँ पर चेक करने पर आपका 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर 5 वोल्ट करंट आता है। अगर 5 वोल्ट करंट आता है तो इसका मतलब क्या, चार्जिंग जैक सही है। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो चेक करने पर कितना आएगा, 5 वोल्ट करंट आएगा। कितना आएगा, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट करंट आता है तो इसका मतलब क्या, चार्जिंग जैक सही है। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं आता तो इसका मतलब क्या, चार्जिंग जैक खराब है। चार्जिंग जैक के जब आप चेक करेंगे, चार्जिंग जैक के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन में चेक करने पर बीप आती है, और प्लस वाली पिन जो होती है, प्लस वाली पिन में चेक करने पर वैल्यू आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग जैक को चेक करेंगे। चार्जिंग जैक को चेक करने के बाद माइनस वाली पिन पर बीप आएगी, प्लस वाली पिन पर वैल्यू आएगी। अगर माइनस वाली पिन पर बीप नहीं आती तो माइनस को उठा करके आप ग्राउंड पर कहीं पर भी जम्पर मार देंगे, और प्लस में चेक करेंगे तो प्लस में चेक करने पर वैल्यू आएगी। अगर प्लस पे वैल्यू नहीं आती, या चार्जिंग जैक निकालते समय कई बार ऐसा होता है कि प्लस का हमसे प्रिंट उखड़ जाता है, माइनस को उखड़ जाता है तो ग्राउंड पे कहीं भी मार सकते हैं। यदि प्लस का प्रिंट उखड़ जाता है तो प्लस से उठा करके आप इसके पास में जो कैपेसिटर होता है, डायोड होता है, या तो IC के पिन नंबर 3 पे सीधे डायरेक्टली लगा देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग पकड़ लेगा। इसी तरीके से मान लिया तुम्हारी IC अगर तुम्हारी 6 पिन की लगी है तो 6 पिन में ध्यान रखेंगे कि पिन नंबर 4 इनपुट होता है, तो इसके प्लस वाली पिन से उठा के कैपेसिटर, डायोड या कैपेसिटर से लगाते हुए या तो IC के पिन नंबर 4 पर लगा देंगे, तब भी आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पकड़ लेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया चार्जिंग ट्रैक का जोड़ने का तरीका बताया, कई बार ऐसा होता है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर यहाँ पर चार्जिंग के पॉइंट में बीच में एक छोटा सा गोला भी दिया होता है। ये जो गोला होता है, इस गोले को हम लोग बोलते हैं VCH। क्या बोलते हैं दोस्तों, VCH। तो अगर आप चाहो तो पिन नंबर ये गोला का दिया होता तो आप गोले पे भी जंपर मार दोगे, तब भी आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मतलब प्लस का सप्लाई उठा करके आप इसे अगर गोले से जोड़ देते हैं, VCH पॉइंट से जोड़ देते हैं, तब भी आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग चेक करते हैं। फिर इसके जो आउटपुट होता है, आउटपुट में हमारा LVR लगा होता है, LVR से सप्लाई होते हुए बैटरी कनेक्टर के प्लस पे जाती है। इसी तरीके से पिन नंबर 7 और 8 से आउटपुट निकलती है, इसमें पिन नंबर 6 से आउटपुट निकलती है, LVR से होते हुए बैटरी कनेक्टर के प्लस में जाती है। तो ये हमारे चेक करने का ट्रैक चेक करने का तरीका होता है। चलिए इसी चीज़ को मैं आपको मदरबोर्ड के प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। हम लोग क्या करेंगे, इस पे चेक करेंगे। देखिए ये आपका मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक लगा हुआ है, चार्जिंग जैक के मोबाइल फोन में चार्जिंग IC लगी है, चार्जिंग IC से LVR से सप्लाई होते हुए ये तुम्हारा कहां पर गया है, बैटरी कनेक्टर पर गया है, जिससे आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर उसमें चार्जिंग की समस्या आती है, चार्जिंग की दिक्कत आती है, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप क्या करेंगे, चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो
तो यहाँ पर चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब क्या है, चार्जिंग जैक तुम्हारा सही है। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या, चार्जिंग जैक खराब है। अगर आपने 5 वोल्ट चेक कर लिया तो इसका मतलब चार्जिंग जैक सही है। ये तुम्हारे 5 पिन का जैक लगा हुआ है, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये तुम्हारी कितनी पिन है, 5 पिन दिया हुआ है। 5 पिन में से जब आप चेक करेंगे, चार्जर लगा के चेक करेंगे, तो पहली आखिरी जो पिन होती है, ये पहले नंबर की पिन तुम्हारी पॉजिटिव होती है, जो आखिरी वाली पिन जो होती है ये तुम्हारी नेगेटिव होती है। तो आपने क्या किया, मोबाइल फ़ोन में चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद जब प्लस माइनस में चेक किया तो 5 वोल्ट करंट आ रहा है। अगर 5 वोल्ट करंट आता है तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा चार्जिंग जैक सही है, नहीं आ रहा तो चार्जिंग जैक खराब है। अब चार्जिंग जैक के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो बीप आएगी। ये आप ग्राउंड से चेक करेंगे, ये जो आपने वोल्टेज चेक किया है, ये मल्टीमीटर को तुमको दोस्तों 20 वोल्ट पर सेट करना पड़ेगा। जब 20 वोल्ट पर सेट करके जब आप मल्टीमीटर को चेक करोगे तब आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर 5 वोल्ट करंट मिलेगा तो आपका चार्जिंग कनेक्टर सही है, आप में चार्जिंग जैक में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। अगर मान लिया वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब चार्जिंग जैक खराब है। अब माइनस वाली पिन पर जब आप ग्राउंड से चेक करोगे, ट्रैक चेक करोगे, तो माइनस वाली पिन पर बीप आएगी, और प्लस वाली पिन में चेक करोगे तो प्लस वाली पिन में चेक करने पर आपको दोस्तों वैल्यू मिलेगी। अगर प्लस वाली पिन पर वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब होता है कि प्लस वाला लाइन हमारा खराब हो गया है। यह चार्जिंग जैक उतारते समय कई बार ऐसा होता है कि प्लस का जो प्रिंट होता है ये उखड़ जाता है। अगर प्लस का प्रिंट उखड़ जाता है तो इसका मतलब प्लस की सप्लाई खराब हो गई है। जब प्लस की सप्लाई खराब हो गई तो आप गौर से देखेंगे तो इसका प्लस का ट्रैक यहाँ से होते हुए कैपेसिटर पर जा रहा है, और कैपेसिटर से सप्लाई होते हुए एक डायोड पर जा रही है, डायोड से फिर यही सप्लाई होते हुए आईसी के पिन नंबर पर जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ये आईसी के पिन नंबर 4 है। अगर ये पिन नंबर 4 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इस तरीके से आईसी के पिनों की काउंट होंगे, क्योंकि हमारी 6 पिन की आईसी लगी हुई है। ये डायोड लगा है, 6 पिन की चार्जिंग आईसी लगी है, ये एलवीआर लगा है, फिर डायोड लगा है, फिर ये बैटरी कनेक्टर का प्लस है। तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए, डायोड से होते हुए आईसी के पिन नंबर 4 पे जाएगी, और पिन नंबर 4 में पिन नंबर 6 से आउटपुट होगी, पिन नंबर 6 से आउटपुट होने के बाद कैपेसिटर पे जाएगी, कैपेसिटर और एलवीआर पे जाएगी, एलवीआर से आउटपुट होगी, फिर डायोड पे जाएगी, तो फिर डायोड पे आएगी, डायोड से होते हुए इस पे आएगी, इससे होते हुए बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चली जाएगी और हमारे मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की सप्लाई चलेगी। ये हमारे पास चाइनीज कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। चाइनीज कंपनी का मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का जो सर्किट होता है उसके आईसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आईसी 6 पिन की लगी होगी तो 6 पिन का सर्किट होगा, अगर आईसी 8 पिन की लगी होगी तो उसमें 8 पिन का सर्किट होगा। तो जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन होगा उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर सर्किट होगा, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का सप्लाई का ट्रैक होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको चार्जर लगाना है। चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग जैक में चेक करेंगे तो 5 वोल्ट करंट आता है। 5 वोल्ट करंट आता है तो हमारा जैक सही है, नहीं आता तो जैक खराब है। चार्जिंग जैक के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो बीप आएगी, प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी। अगर माइनस वाली पिन में चेक करने पर बीप आती है तो सही है, अगर माइनस वाली बीप नहीं आती तो माइनस को उठाकर जम्पर ग्राउंड पर लगा देंगे। ग्राउंड पर लगाने के बाद अगर फिर भी हमारे मोबाइल फ़ोन में सप्लाई लाइन सही हो गई, फिर भी नहीं चार्जिंग हो रही, तो आप प्लस वाली को चेक करेंगे। अगर प्लस वाली लाइन खराब हो गई है, देखिए माइनस को तो आपने ग्राउंड पे जोड़ दिया, अगर प्लस वाली लाइन खराब होगी तो प्लस से सप्लाई देखेंगे तो सप्लाई पहले यहाँ से कैपेसिटर पे जा रही है, कैपेसिटर से होते हुए डायोड पे जा रही है, डायोड से होते हुए आईसी के पिन नंबर 1 पे जा रही है। अगर आप चाहे तो आईसी के पिन नंबर 1 पे जंपर मार देते तब भी मोबाइल फोन में चार्जिंग होता, अगर यहाँ से उठा के डायोड पे मार दोगे तब भी चार्जिंग होगा। लेकिन आपको चेक कर लेना, एक तरफ से बीप आएगी, एक तरफ से वैल्यू आएगी। जिस तरफ से बीप आए वो माइनस होता है, जिस तरफ से वैल्यू आए वो प्लस होता है। तो प्लस से उठा के जम्पर इस पर लगा दोगे, या कैपेसिटर देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव का ही है, तो आप कैपेसिटर पे भी जम्पर मार देंगे, तब भी आप मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग के सर्किट को ओके कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से आउटपुट निकलेगा, आउटपुट निकलने के बाद एलवीआर और डायोड से होते हुए बैटरी कनेक्टर प्लस पे जाएगी, और इसका जो माइनस का लाइन होता है वो ग्राउंड होता है। ये माइनस माइनस आपस में ग्राउंड होता है, डायरेक्ट होता है, सिर्फ प्लस की ही कनेक्टिविटी होती है। ये आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, या इस तरीके से मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो समझाया है, वो जितने भी चाइनीज मोबाइल फ़ोन आते हैं, वो चाइनीज मोबाइल फ़ोन में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है कि चार्जिंग ट्रैक को कैसे चेक किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको वीडियो समझाया है वो सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स होता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात क्या है,
ये जो वीडियो मैं आपको देता हूँ इनको अच्छे से नोट करिए और कोई भी चाइनीज मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए, उस चाइनीज मोबाइल फ़ोन में उठा करके दोस्तों प्रैक्टिकल करिएगा और आप उस बोर्ड को देखिएगा, आपको उसमें इसी तरीके से हूबहू सर्किट मिलेगा। चार्जिंग आईसी की पहचान होती है, उसके पास में एलवीआर लगा होता है, चार्जिंग जैक लगा होता है, बैटरी कनेक्टर होता है, यहीं पर हमारी चार्जिंग की लाइन हमारी घूमती रहती है, तो हम लोग उसी के हिसाब से उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको चार्जिंग के बारे में समझाया है, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे मैसेज ज़रूर करें या कमेंट करें कि सर आपने जो भी चार्जिंग के बारे में जो भी सेक्शन समझाया है मुझे अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है या मुझे सही तरीके से समझ में नहीं आया है। और इसके साथ में इसके संबंधित मैंने और भी जैसे चार्ज, मान लिया आपने कोई भी YouTube में वीडियो को सर्च किया, मान लिया मेरा आपको चार्जिंग का यही वाला वीडियो मिला है, लेकिन ये वीडियो आपको देखने के बाद थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पूरे तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, तो आप इसके बैकग्राउंड में इसके पीछे के और भी वीडियो को देखें कि इससे संबंधित मैंने जैसे अभी चार्जिंग जैक का डिटेल है, बैटरी कनेक्टर का डिटेल है, चार्जिंग आईसी का पहचानने का तरीका क्या है, तो इसके बारे में भी मैंने पीछे वीडियो में डाल रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो तुमको और अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो तुमने डायरेक्टली देखा हुआ है। अगर मान लिया तुम सीक्वेंस के साथ में एक 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 करके वीडियो डालते जा रहे हैं तो आपको जरूर 100% तरीके से वीडियो आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको सीरीज में इसीलिए डालता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि सर किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से आपको सिखाया जाता है, कैसे आपको, हम जैसे दावा करते हैं कि हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के सर्किट सप्लाई से लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे तो कैसे देंगे। देखो सर दुनिया जान में मैं आपको बताऊं, आईसी को उखाड़ना लगाना, कॉम्बो को निकालना लगाना, ग्लास को चेंज करना तो कोई भी सिखा सकता है, लेकिन सर सर्किट सप्लाई के बारे में, ट्रैक के बारे में, कनेक्शन के बारे में वही आदमी जिंदगी में सिखा सकता है जिसके एक्सपीरियंस हो या इतने काफ़ी साल से ट्रेनिंग करा रहा हो या आपको सप्लाई सर्किट के बारे में अच्छे से अनुभव दे सके। तो ये दोस्तों मैंने आपको सप्लाई सर्किट के बारे में आपको समझाया है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इससे संबंधित पिछले और भी वीडियो देखें दोस्तों। और मैं एक वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास एक अयोध्या के ज्ञान प्रकाश जी हैं जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया है। वो आपसे पहले महीनों, दो महीने, तीन महीने अपने दोस्त के मोबाइल फ़ोन की दुकान में जाते थे, लेकिन वहाँ पर फिर वही उनके साथ में वही हादसा होता था, दुकान पर जाते थे दो घंटे, चार घंटे, पाँच घंटे, जब तक उनका मन करता था तब तक समय देते थे, बैठे रहते थे, कुछ कभी काम करते थे कभी नहीं करते थे, लेकिन फिर बाद में बताया कि सर जब से आपको मुझे तीन चार पाँच महीने से छः महीने से मैंने आपका जब से मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन दुकान पे मुझे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर के पास ही जा करके सीख लूँ। तो उनको किसी ने ये बोला कि यार वहाँ कहाँ जा करके सीखोगे, वहाँ कोई सिखाता ही कहता नहीं है, यूट्यूब में तुमने वीडियो देख लिया है, तुमको बेवकूफ़ बना दिया, तुमसे पैसा ले लेंगे, तुमको सिखाएंगे नहीं, तुम उनको जानते नहीं हो, कैसे है ये है वो, बहुत सारी बातें ऐसे उन्होंने मुझसे बोली। तो मैंने कहा सर देखिए दुनिया जान में कहते हैं विश्वास से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, अगर आपको विश्वास है तो आप कहीं भी किसी धाम पे चले जाते हो, लेकिन इस उम्मीद के साथ में जाते हो कि भाई हम अगर वहाँ पर जाएंगे या हम अगर वहाँ पर दर्शन करेंगे तो हमको वहाँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा या हमको वहाँ के बारे में अनुभव मिलेगा और अच्छी तरीके से हम सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं, तो उसी विश्वास के साथ में आप लेकर के जाते हो। तो उसी तरीके से बहुत लोग अगर आपको कोई गाइड करते हैं या डिसगाइड करते हैं या मिसगाइड करते हैं तो आप सर उन सब चीज़ों को लेकर के टेंशन लेकर के बिल्कुल आप फ्री रहें। आप एक बार अगर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं या हमारे बारे में जानना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार कॉल करें, वीडियो कॉल करें, क्लास चलते हुए देखें, फिर उसके बाद बिल्कुल बेशक आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें। यहाँ पर हम लोग मात्र 45 दिन का कोर्स सिखाते हैं, 45 दिन के अंदर बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको दिया जाता है, जिसमें पूरा हार्डवेयर होता है, पूरा सॉफ्टवेयर होता है, लॉक तोड़ने का तरीका, आईसी निकालने लगाने का तरीका, ए से लेकर सप्लाई सर्किट, डेड से लेकर के सभी तरह के फॉल्ट्स के बारे में आपको प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है। थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। 45 दिन का समय लगता है, 45 डेज के अंदर आप सीख करके ही जाएंगे, अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत समय लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ज्ञान प्रकाश जी ने यही सोचा और उसको सोचने के बाद फिर उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया और आज वो उनका आज पहला दिन था, फिलहाल वो लेट हो गए, कल से अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो मैं उनका भी वीडियो डालूंगा क्लास करते हुए। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से एक हमारे स्टूडेंट हैं जो इटली के रहने वाले हैं, इतना काफ़ी दूर से वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, एक बार उन्होंने ऑनलाइन कोर्स के बारे में सीखा भी था। आज सर वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके पास एक मोबाइल फ़ोन आया था और उस वो क्वालिकॉम सीपीयू का मोबाइल फ़ोन था, टैबलेट था, तो कह रहे हैं कि सर मैंने उस मोबाइल फ़ोन को जैसा आपने बताया था कि इस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर FRP को हटाया जाता है
तो वो मैंने जब वीडियो के माध्यम से मैंने उस मोबाइल फ़ोन को ठीक किया तो मुझे सच्ची बड़ी खुशी मिली कि मैं जो सर का वीडियो देख रहा हूँ या जो सर के माध्यम से जो मुझको मदद मिल रही है वो जेन्युइनली इतनी मदद मिल रही है। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर मैसेज करें इसमें से, ताकि और लोगों को पता भी चल सके कि आपसे सर मेरी बात हुई है और आपने मुझे ऐसा मैसेज डाइवर्ट किया है। और जितने भी सारे लोग हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझें। और अगर आपको दोस्त अगर परफेक्ट सीखना है, परफेक्ट कंप्लीट होना है, मास्टर बनना है, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में अच्छा काम करना है, तो फिर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बहुत सारी चीज़ें के बारे में जानकारी फ्री में आपको जानकारी लेनी है, या इन सब चीज़ों के बारे में देखना है कि कैसे सर सिखाते हैं, कैसे सीख करके हम लोग खड़े हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, तो ये वीडियो देखें। वीडियो देखने के साथ साथ एक काम करें, एक कोई भी 10-5 रुपए कॉपी लें, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी समझाता हूँ, इसको देखें। इसको देखने के बाद अपने कॉपी में नोट करें, हमारी बातों को नोट करें। अगर आप ऐसा 8 दिन 10 दिन 15 दिन करते हैं, तो मैं इस बात आपको चैलेंज के साथ में कहता हूँ, आप 100% तरीके से आपको 10 से 15-20% आपको जरूर समझ में आएगा। अगर दोस्त समझ में आएगा तो ही ट्रेनिंग लेने का बनता है, अगर नहीं समझ में आता तो नहीं बनता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखें। थैंक यू दोस्तों।